हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है हेमेटोफोसिस स्टेम सेल ब्लड सेल फॉर्मेशन स्टेम सेल डिसऑर्डर। इसकी सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल स्टेम सेल डेफिनेशन डिवाइड ऑफ ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट लिम्फ एमिनोसाइट डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन हेमेटोफोसिस स्टेम सेल जिन्हें ब्लड स्टेम सेल के रूप से जाना जाता है अपरिपक्व सेल है जो सभी प्रकार के ब्लड सेल में डेवलप हो सकती है। ये बोन मेरो एंड परिधि ब्लड में पाए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हेमेटोफोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड हेमेटो मीन्स ब्लड सेल कंपोनेंट एंड पोजिसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस होता है। एक अपरिपक्व सेल जो WBC RBC एंड पेटलेट सहित सभी प्रकार की ब्लड सेल में विकसित होती है। हेमेटोफोसिस स्टेम सेल परिधि ब्लड एंड बोन मेरो में पाई जाती है। इन्हें ब्लड स्टेम सेल भी कहा जाता है। हेमेटोफोसिस एक जैसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। स्टेम सेल बॉडी का रॉ मटेरियल है। सेल जिनमें स्पेशल वर्क करने वाली अदर ऑल सेल उत्पन्न होती है। ये स्टेम सेल का डायग्राम है। नेशन हेमेटोफोसिस स्टेम सेल बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। HCS है डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल का मैच्योर होना हेमेटोफोसिस कहलाता है। डिवाइड ऑफ ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का ब्लड सेल है जो नॉर्मली म्यूइड प्रोजेनिटर से ओरिजिन हुई है। लिम्फोसाइट आल्सो नोन अस वाइट ब्लड सेल WBC एंड इम्यून सिस्टम में भाग लेते हैं। इनका ओरिजिन लिम्फोसाइट प्रोजेनिटर सेल से होता है। लिम्फोसाइट लिंकेज टी सेल एंड बी सेल से मिलकर फॉर्म्ड होते हैं। मेलेनोसाइट ये इम्यूनिटी एंड ब्लड क्लॉट में हेल्पफुल है। ये मेलोइड प्रोजेनिटर से ओरिजिनेट हुई है। इंपॉर्टेंट इन नॉर्मल ह्यूमन HSC ऑलमोस्ट 6 मिलियन सेल पर kg पर डे की रेट से फॉर्म होती है। डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेज में ब्लड सेल का फॉर्मेशन डिफरेंट ऑर्गन में होता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में रेड सेल का फॉर्मेशन एग में होता है। प्रेगनेंसी के 4 to 6 मंथ में रेड सेल का फॉर्मेशन लीवर में होता है। प्रेगनेंसी के 7 to 9 मंथ में रेड सेल का फॉर्मेशन बोन मेरो से होता है। आफ्टर बर्थ ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। थैंक यू एवरीवन। आज के वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।